नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, जो कि हमारी 10वीं कक्षा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना, मतलब कि बच्चों अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड करना, एंड इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। भारत में हर स्टेट अपने आप में इतना ज्यादा यूनिक है, फेडरलिज्म के तहत मिनिमम दो लेवल्स पे तो पावर को बांटा जाता ही है। भारत देश में हमारे पास तीन तरीके की गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इनिशियली तो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में ही पावर बांटी गई थी, लेकिन फिर लोकल गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पावर दे दी गई। इन सभी पावर्स को भारत के संविधान में क्लियरली डिफाइन करा गया है ताकि इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। भारत देश को वैसे तो कहीं पे भी संविधान में फेडरल देश बोला ही नहीं गया है, लेकिन हमारा जो देश है ये फेडरल प्रिंसिपल्स पे चलता है। यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में पावर को डिवाइड किया गया है। हमारे देश में कुछ स्टेट्स को विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनके इतिहास और संस्कृति को देखते हुए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। साथ ही में आर्टिकल 371 के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। हमारे देश में भाषा और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स को भी बनाया गया है, जिसने हमारे देश की एकता को मजबूत करा गया है। उसी के साथ साथ भारत देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हिंदी भी सिर्फ बच्चों हमारे देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाओं को स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है ताकि डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके। साथ ही में 1990 के बाद में भारत देश में किसी भी इकलौती पार्टी का दबदबा नहीं चला है। हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट्स यानी कि गठबंधन की सरकारें देखी जाती हैं, जहां पे बहुत सी पार्टीज को नेशनल और स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसकी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। शुरुआत में पावर को सिर्फ दो लेवल्स पे बांटा गया था, लेकिन उसी के बाद पावर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और लोकल लेवल को 1992 के अमेंडमेंट के बाद और भी ज्यादा मजबूत बना दिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फेडरलिज्म की वजह से हम यानी कि आम लोग गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक ही बच्चों सीमित नहीं होती, लेकिन इसमें हर किसी की भागीदारी काफी ज्यादा जरूरी भी होती है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोगों ने फेडरलिज्म चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। आई होप कि सभी को एक बहुत ही क्लियर आइडिया जो है चैप्टर का मिल गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।